नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसन्ना। मुझे आज इस कार्यक्रम के लिए आके और आपके समक्ष जो हमने बजाया है, थोड़ा सा हाजिरी दी अपनी, एक बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े उस्ताद के याद में कार्यक्रम हमारे आरिफ जी कर रहे हैं, आरिफ अली खां, और ये बहुत बड़े उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब के याद में किया। और किराने घराने के बहुत महान कलाकार थे और सभी बुज़ुर्गों को याद करके उन्होंने इस कार्यक्रम को और हमें याद किया है, तो हम अपनी हाजिरी बांसुरी में दिए हैं। आज मैंने एक राग श्री बजाया है, जो कि एक अपने आप में अलग सा इसका बजाने का तरीका है। ख्याल अंग के छेद बजाएं, क्योंकि ये जो किराने घराने के उस्ताद जितने भी बुज़ुर्ग हैं सब ख्याल अंग के गाते थे, और उनकी जो अलग बात थी, हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं और बुज़ुर्गों के याद में हमने ये कार्यक्रम दिया है। तो ख्याल के बाद फिर हमने जो श्री राग में, उसके बाद एक हमने पूर्व अंग की चीज़ बजाई है, चैती। चैती आज चैत का महीना चल रहा है, तो इसमें सीज़न वाइज भी है, तो बिरहे का भी है, फिर खुशी हो जाता है। चैत में अपनी जो घरवाली जो होती हैं वो अपने पति के इंतज़ार में गाती हैं और याद करती हैं, तो उसके बाद वो जो चैती में चैत वहाँ से फिर उसके बाद ये खुशी भी होता है, तो लास्ट में खुशी के अंग हमने थोड़ी सी उसे प्रस्तुत की है। तो दो आइटम हमने बजाई है, रागश्री और एक चैती। चैत मास अमावा बौरा गैले रामा, तो ये इसके जो अंग है गाने की, जो गायकी अंग है, मैं कोशिश करता हूँ इसके जितने भी स्टाइल है, लेकिन हम लोग क्योंकि गुरुओं से ज़्यादातर वो गाते हैं, हम लोग धुन सुन लेते हैं, उसी धुन को हम अपने दिमाग में बसा के गायकी अंग की चीज़ें हम बजाते हैं, जो मेरे पिताजी ने बताई है ये चीज़ें, क्योंकि ये बनारस की चीज़ें हैं। मेरे पिताजी के अलावा हमने ये चैती, कजरी, होरी, ये सब उन्हीं से सीखी है। बाकी बहुत सारे ठुमरी अंग जो मैंने पंडित महादेव मिश्रा जी हमारे गुरुजी बनारस के थे उनसे सीखी है, और जो ख्याल अंग की चीज़ें हैं वो रामपुर सेसवान घराने के उस्ताद उस्ताद हफीज़ अहमद खां साहब, उस्ताद सरफराज हुसैन खां साहब, और मेरे चाचा जी पंडित भोलानाथ जी, पंडित विष्णु प्रसन्ना जी, सबका आशीर्वाद है। तो जैसे सारे गा मा पा धा नी, तो मेरे सात गुरु हैं, और सबसे पहले गुरु मेरे दादाजी पंडित गौरीशंकर जी।
मैं अभिषेक मिश्रा और आज दिल्ली में उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, जो कैराना खराना के बड़े ही दिग्गज कलाकार और गुरु रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूट में उनकी सोसाइटी द्वारा ये त्रिवेणी कला संगम में आयोजित कार्यक्रम में मैंने अपने तबले की प्रस्तुति दी पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी के साथ और उनके सुपुत्र राजेश प्रसन्ना भाई। और बड़ा ही एक गौरव का विषय है कि ऐसे गुणीजन, ऐसे दिग्गज कलाकार के स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई साधुवाद आरिफ अली खान जी को, जिन्होंने ये सोचा, समीउल्ला जी और ये सभी परिवार ने मिलके, और हम भी उसके एक हिस्सा हैं, और ऐसे गुणी दिग्गज कलाकार को हमने ट्रिब्यूट दिया, इस बात की हमें बहुत खुशी है, हर्ष है। और हमारा यह आग्रह है कि ये ऐसा कार्यक्रम ऐसे दिग्गजों की याद में चलता रहे और उनको हमेशा याद किया जाए। अगर ऐसे गुणी लोग रहेंगे हमारे बीच में तो उससे संगीत का उत्थान होगा, संगीत बेहतरी की ओर होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। पंडित राजेंद्र प्रसन्न जी, मंजू दीदी से चाहूंगा कि वो उनको सम्मानित करें। अभिषेक मिश्रा जी, और अभिषेक मिश्रा जी, मैं चाहूंगा राजेंद्र गंगाजी जी उनका स्वागत करें। संगीत प्रेमी श्याम जाजू जी, संगीत के बहुत शौकीन और शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले राजेंद्र गंगाजी जी को तो आप सभी जानते हैं। नृत्य की दो महान हस्तियां हमारे बीच में। जी नमस्कार, मैं आरिफ अली खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान आर्ट एंड म्यूजिक चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक। उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब एक महान संगीत सम्राट कलाकारों में से रहे हैं, और उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब ने किराना घराना की नींव रखी और इसको आगे फैलाया। उन्हीं की याद में आज की उनको श्रद्धांजलि बतौर उनको याद किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा। उस्ताद अब्दुल वहीद खान ने किराने घराने में जो गायकी का चलन था उसको बड़े ख्याल के रूप में एक इजाद किया, जो आज हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा ख्याल, और उन्हीं को हम याद कर रहे हैं श्रद्धांजलि बतौर। उसमें पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी ने अपनी बांसुरी वादन राक्षसी से किया और फिर एक धुन, उसके बाद जयपुर से हमारे सारंगी नवाज़ उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब और उनके बेटे साहबजादे मोमिन खान, उनके साथ में तबला पंडित मिथिलेश कुमार झा जी ने, हमने उनको बुलाया स्पेशली मुंबई से और जयपुर से, और राजेंद्र प्रसन्ना जी हमारे वैसे बनारस इलाहाबाद से हैं, आजकल दिल्ली में हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी संगत करी अभिषेक मिश्रा जी ने, और हमें सबका सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिला, और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे। और संस्था की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूं, मीडिया को
और संस्था से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं और जितने हमारे कलाकार अब तक आए हैं और आज के कलाकार जितने भी, मैं सबको उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you.